नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्डिगन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा और ढेर सारे डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये पहला लाइन है, तो फर्स्ट रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और दो फंदे को, इसको सीधा कर लीजिए, दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, यानी ऊन अपनी तरफ है तो जाली देते हुए सीधा, अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा बनाएंगे, यानी कि दो का एक कर लिया और ऊन अपनी ओर रखेंगे और ऐसे एक बार घुमा देंगे। देखिए, ये हमने दो फंदों का एक किया है, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक किया है, उन दूसरी ओर है तो अपनी ओर करेंगे और एक बार ऐसे सिलाई पे चढ़ा लेंगे और नेक्स्ट फंदा उल्टा। ये एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा यहाँ उल्टा हो गया, अब उन अपनी ओर रखे रहेंगे, अगले फंदे को सीधा कर लेंगे और एक और फंदा ले लेंगे, यानी दो फंदा हमने ले लिया और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, यानी उन अपनी तरफ है, यानी जाली देते हुए दो का एक किया सीधा बुनते हुए, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और एक बार ऐसे सिलाई में चढ़ा लेंगे और नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर ऊन अपनी ओर ही रखे रहेंगे, दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे ऊन अपनी तरफ है, यानी कि दो को एक करने से पहले हमें अपनी ओर कर लेना है, यानी जाली देना है, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक किया सीधा बुनते हुए, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, ऊन को ऐसे एक राउंड सिलाई में चढ़ा लेंगे, अगला फंदा, अगले दो फंदे एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। सीधा बुनने से पहले हमने उनको अपनी तरफ किया था, यानी हमें जाली देना है, यहाँ पे दो का एक करेंगे और तो एक फंदा घट जाएगा, तो उन अपनी तरफ कर लेंगे, यानी जाली के साथ ही एक फंदा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और एक बार सिलाई में उन लपेट लेंगे, अगला फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है और लास्ट फंदा बचेगा जो एज स्टिच है और इसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से, यानी सेकेंड रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टा बना लेंगे। दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और अब ये तीसरी लाइन है और सामने से है। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लीजिए, उन अपनी ओर करेंगे और नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा सीधा, फिर उनको अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक करना है, तो उसके पहले थोड़ा सा इसे ढीला कर लीजिए और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बनाना है और उसके पहले हमने उनको अपनी तरफ कर लिया है, तो तीनों फंदों को एक साथ लीजिए और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लें, फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये जाली वाला फंदा है, यानी नेक्स्ट फंदा, उसे हम सीधा बना लेंगे।
फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने जाली दिया है और तीन फंदों को एक कर लिया है। अब उन अपनी ओर करेंगे और नेक्स्ट फंदा उसे हम सीधा बना लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा। थर्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर ये जाली वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे और फिर उनको अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक साथ लेना है और सीधा बुनना है, तो पहले इसे थोड़ा सा हम ढीला कर लेंगे, फिर तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। सीधा फंदा बनाने के पहले हम उन अपनी तरफ कर लेंगे, तो अपनी तरफ करते हुए तीन फंदों को एक साथ लिया और तीन का एक कर लिया सीधा बुनते हुए, फिर उन अपनी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छः फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, तो पहला फंदा उल्टा हो गया, फिर उन दूसरी ओर करेंगे दूसरे फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेंगे, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, फिर तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, यहाँ पे तीन का एक किया, उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा। तो नेक्स्ट सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा और नेक्स्ट फंदा उल्टा। फिर अगला जाली वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए तीन का एक कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला जाली वाला फंदा है जिसे हम सीधा बुन लेंगे और नेक्स्ट फंदा उल्टा। इसी तरह इन्हीं छः फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा कर बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से यानि फोर्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर उन अपनी ओर रखे रहेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और एक बार सिलाई में ऐसे लपेट लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा। इन्हीं छः फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे, एक फंदा उल्टा हो गया, फिर उन अपनी ओर रखेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर एक बार सिलाई में ऐसे लपेट लेंगे, अगला फंदा उल्टा। तो इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, यानी हम पांचवी लाइन में अपना पहला लाइन दोहरा रहे हैं। लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे।
सेवेंथ रो में हम अपने थर्ड रो को दोहराएंगे, यानी कि पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर रखेंगे, अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और नेक्स्ट फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, सीधा फंदा बनाने के बाद उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा और लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और बैक साइड से ऐसा। देखिए फ्रेंड्स, इसी डिज़ाइन को मैंने यहाँ बनाया है, तो दोनों डिज़ाइंस एक ही हैं, लेकिन इसमें अंतर है क्योंकि यहाँ पे ये डिज़ाइन पांच फंदे का है और पांच फंदा बनाने के बाद यानी मैंने तीन फंदे का, दो डिज़ाइन के बीच में तीन फंदे का अंतर रखा है और इस डिज़ाइन में एक फंदे का। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिज़ाइन पांच फंदे का डिज़ाइन बनाने के बाद एक फंदा यहाँ पे उल्टा रखा है, दो डिज़ाइन के बीच में यहाँ पे एक फंदा उल्टा रखा है और यहाँ पे मैंने दो डिज़ाइन के बीच में तीन फंदा उल्टा रखा है। तो ये डिज़ाइन आठ के मल्टीपल फंदों में और पांच फंदा एक्स्ट्रा हो गया। देखिए ये एज स्टिच है और पांच फंदों, देखिए ये एज स्टिच है, तीन फंदा उल्टा और पांच फंदे का ये डिज़ाइन, यानी आठ के मल्टीपल फंदे हो गए। और इस डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में भी तीन फंदे उल्टे रखे गए हैं और दो फंदा एज स्टिच, तीन फंदा उल्टा और दो फंदा एज स्टिच, यानी कि आठ के मल्टीपल फंदे और पांच फंदा एक्स्ट्रा। और इस डिज़ाइन में ये पहला फंदा एज स्टिच है, अगला फंदा उल्टा और पांच फंदे का डिज़ाइन यानी छः के मल्टीपल फंदे, और बैलेंस करने के लिए एक फंदा इधर उल्टा है तो एक फंदा हम इस साइड में भी उल्टा रखेंगे और दो फंदा एज स्टिच यानी छः के मल्टीपल फंदे और तीन फंदा एक्स्ट्रा। तो डिज़ाइन दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन लुक में अंतर आ गया है। देखिए लुक में काफ़ी अंतर आ गया है। तो फ्रेंड्स आपको बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है कि नहीं। देखिए सामने से ये डिज़ाइन सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। दोनों डिज़ाइन सेम है लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और एक डिज़ाइन को दो तरह से बनाए, डिज़ाइन एक ही है लेकिन इसमें दो अंतर कर देने से देखिए डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा यह तरीका अगर अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।